नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बीबू का ब्लॉग और मैं ज्योति। तो आज मैं करने जा रही हूँ ये फिलिप्स का हीटेड स्ट्रेटनिंग ब्रश का रिव्यू। इनका कहना है कि ये 5 मिनट्स में बाल को स्ट्रेट करेगा और ये मेरे नेचुरल कर्ली हेयर है, तो देखते हैं ये मेरे हेयर पे भी 5 मिनट्स में वर्क करता है या नहीं। और ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा कि जिनके कर्ली हेयर है उनको एक अच्छा रिव्यू मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। और ये है ब्रश जो कुछ इस तरह का दिखता है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सिल्क प्रो केयर है इनका कहना है, और इनका कहना है कि ये कैरेटिन इन्फ्यूज्ड कैरमिल कोटिंग है और इसमें 2 टेम्परेचर सेटिंग है, जो कि एक ये है और एक ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मतलब ये कर्ली हेयर वालों के लिए और ये जो जिनके थोड़े वेवी और स्ट्रेट हेयर है उनके लिए है। और थर्ड है ट्रिपल ब्रिस्टल डिज़ाइन और लास्ट लार्ज पैडल सेप ब्रश। लार्ज पैडल सेप ब्रश है जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि इससे बाल इजली ग्लाइड कर जाए, वो फंसे ना। तो अब हम शुरू करते हैं इसका रिव्यू कि ये वर्क कैसा करता है। मैंने कर दिया स्विच ऑन और ये जो लाइट है ये ब्लिंक कर लिया, मैंने मैक्सिमम पे रखा है और जब 14 to 15 सेकेंड हो जाएंगे तो ये अपने आप लाइट कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब ये रेडी टू यूज है। तो जब तक मैं ये टेम्परेचर फिक्स हो रहा है मैं अपने हेयर को डिटेंगल कर लेता हूँ। मैंने अपने बालों को कर लिया है डिटेंगल और मैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैसे मेरे हेयर पहले से, ये देखिए मेरे बाल पूरी तरह से डिटेंगल हो गए हैं, बिल्कुल ब्रश स्मूथली निकल रहा है। सबसे मेन बात है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रेटनिंग या फिर कर्लिंग ब्रश यूज करें, हीटिंग टूल यूज करें, तो सबसे पहले कोई भी सीरम लगाना ना भूले। उससे आपके हेयर का स्ट्रेंथ सही रहता है, आपके हेयर की कोटिंग सही रहती है, आपके बाल खराब नहीं होते हैं। तो मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का ये वाला, आप कोई सा भी सीरम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा लेके और उसको अपने पांव पे रख कर मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक तरफ का स्ट्रेट करके और एक तरफ जो मेरे नेचुरल है वो वैसे ही। अब मैं इसको कर लूंगी टाई। इस तरह से मैंने इसको टाई कर लिया है और मैं इसको भी 2 भाग में डिवाइड करूंगी, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर है तो अंदर भी बहुत सारे हेयर कर्ली हैं, तो इस वजह से। ये फिक्स हो चुका है, अब ये यूज करने के लिए रेडी है। तो अब मैं यूज करती हूँ, तो मैं एक स्मॉल पोर्शन लूंगी, एक छोटा सा। और जब आप बाल को ऐसे स्ट्रेच करके इसको अप्लाई करोगे ना, ये अच्छे वर्क अच्छा से वर्क करता है। तो देखिए ये हीट होता है तो आप अपने कान को बचा के ये यूज करें। जैसे जैसे मेरे पोर्शन होते जाएंगे मैं उसको हटाती जाऊंगी। आप अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से स्ट्रेट कीजिए, बस 2-3 बार आपको रिपीट करना है एक ही पोर्शन में। ये नीचे का देखिए पूरा हो चुका है, मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे हैं इसको करने में। ये नीचे का पूरा हो चुका है, अब मैं ये वाला करती हूँ। मैं इसमें भी लगा लूंगी और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका रिजल्ट भी देखिए, और फिर प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको मेरे वीडियो में क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, प्लीज वो मुझे मोटिवेट करेगा। इसी तरह से मैं अपने पूरे हेयर को स्ट्रेट कर लूंगी। ये देखिए
मुझे मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट लगे हैं और इधर का पूरा हेयर कंप्लीट हो गया है, जबकि मेरे कर्ली हेयर थे। तो ये देख सकते हैं आप, और मैं इधर का भी दिखाती हूँ। ये सीधा दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि ये कैसा वर्क किया। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेटनिंग ब्रश है, ये जब मैं हेयर में कुछ अप्लाई करती हूँ, हेयर मास्क या फिर होम रेमेडी कुछ, उसके बाद जब मैं स्ट्रेट करती हूँ अपने हेयर को, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है। मतलब पहले ऐसा होता था कि मैं जब हेयर स्ट्रेट करती थी तो मतलब 2 से 3 घंटे में मेरे बाल नॉर्मली अपने स्टेज में आने लगते थे, लेकिन जब से मैंने कुछ अप्लाई करके तब लगाना स्टार्ट किया तो मेरे बाल 2-3 दिन तक भी अगर उसको धोऊं ना तो वो स्ट्रेट ही रहते थे। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर आप कुछ होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कुछ ट्रीटेड हेयर, अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं हेयर को, उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। यानी कि ये डिपेंड करता है हेयर टू हेयर। तो हो सकता है ये मेरे लिए ऐसा वर्क करे, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा वर्क करे, बट जो वर्क है वो आपके सामने ही मैंने दिखाया, तो सी द रिजल्ट। अब सेम इस तरफ के प्रोसीजर के जैसे मैं इस साइड के बाल को भी स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया है अपने पूरे बालों को स्ट्रेट। देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे पूरे बालों को स्ट्रेट करने में टोटल 5 से 6 मिनट लगे हैं, और मेरे जो कि कर्ली हेयर थे तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 1-8 मिनट ज़्यादा लगा। अगर आपके वेवी हेयर हैं या फिर आपके स्ट्रेट हैं तो आपके तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, मतलब 2 से 3 मिनट में आपके पूरे हो जाएंगे। और अगर आपको पॉकी स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। मेरे हेयर तो इतने ही होते हैं, बट हाँ फिर भी ये 4 to 5 hours तो रहता है अच्छे से। और वही मैंने बताया, जैसे कि अगर मैं कुछ अपने हेयर में अप्लाई करके तब स्ट्रेट करती हूँ तो फिर अच्छे से 1-2 दिन चलता है। तो हाँ गाइज, यही था रिजल्ट। आपको कैसा लगा? अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है ये रिज़ल्ट देख के। और वो अगर आपके पास ये स्ट्रेटनर है तो आपके बालों पे कैसा वर्क करता है ये मुझे कमेंट में बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक फैमिली बन जाएंगे और हमारा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं डालूँगी और आप देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।